सामने का एक्सेल के पास में। तो ये मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लगा कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना था। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे सोयल टेक्निकल फार्मेंट में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो वो डिजिट्रैक PP46i जो कि 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, पहले डिजिट्रैक मिलते थे ऑनलाइन, अभी इनको मर्ज कर दिया गया पावर ट्रैक के साथ। अभी आपको पावर ट्रैक डीलरशिप पे देखने के लिए मिलेंगे डिजिट्रैक के सारे ट्रैक्टर, लेकिन MP में भी सिर्फ एक मॉडल आया है, वो है PP56 पावर प्लस 46। जो अपना PP43 और 51 आता है ना, वो अभी MP में नहीं आया, सिर्फ MP में ये वाला मॉडल उन्होंने अभी किया है। और आपको ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ में अंदर आपको शाइनिंग के लिए दाने भी देखने के लिए मिलेंगे। सामने से लुक की बात करेंगे ना, तो पूरा ब्लैक कलर लुक मिलेगा, कुछ कुछ हद तक आपको पावर ट्रक जैसा दिखेगा। उसमें आपको बाहर एक क्लीनर, इसमें अपना ड्राई टाइप का एक क्लीनर है, पूरा ब्लैक लुक है, जिन्हें ब्लैक लगा था ना उनके लिए। और सामने तरफ आपको एक्सेल की बात करना, तो भाई बहुत हैवी ड्यूटी एक्सेल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेल आप अगर लोडर पर भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई भी इसमें आपको डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो आप अपना जो एक्सेल है ना, उसकी साइज देख लो, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे आप जो साइज देखो, ये भी बहुत हैवी कर दी गई है। आम की साइज देखो तो आम की साइज भी हैवी कर दी गई है। बाकी आप दूसरे ट्रैक्टर को देखोगे ना, तो इसमें आपको इतनी साइज नहीं मिलेगी जितनी हैवी ड्यूटी इसमें आपको इसमें मिलेगी। पंप उसका ज़्यादा आपको तगड़ा मिला, मतलब भारी मिलेगा। उसके बाद इसके पंप की बात करें, तो इसमें आपको बोस्ट का 4 सिलेंडर इनलाइन पंप देखने को मिलेगा नॉन CRDI में। ON RC 50 HP ट्रैक्टर आएगा और 55 HP कैटेगरी के साथ आता है। प्लेटफॉर्म बात करेंगे तो लगभग आपको पावर ट्रक जैसा प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कलर का पूरा ट्रैक्टर ब्लैक है, ये सिर्फ आपको थोड़े से सिल्वर टाइप में मिलेंगे, बाकी पूरा ट्रैक्टर आपको ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ में किसान भाई बात करें, तो इसमें आपको डबल पीटीओ क्लच देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये साइड में आपको प्लेट मिलेगी जिसमें आपको पीटीओ पावर बताते हैं 34.33 किलोवाट की पीटीओ पावर मिलेगी और 4/2024 की मैन्युफैक्चरिंग। किसान भाई, इसकी पीटीओ पावर इन HP की बात करें तो 46 HP की आपको पीटीओ पावर मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस HP कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए। गियर्स की बात करेंगे ना, तो आपको रिवर्स 1, 2, 3 और 4 गियर देखने को मिलेंगे, हाई लो मीडियम के साथ में। और बाकी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे ना, तो काफ़ी बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिला, जो कि दिखने में बढ़िया। लुक की बात करोगे ना, तो वही आपको थोड़ा सा एस्कॉर्ट का जैसे लुक आता है ना बाकी ट्रैक्टर का, उस प्रकार का लुक है। ड्राई टाइप ट्रैक्टर है, इसलिए पूरा प्लेन आपको देखने मिलेगा, बीच में उठा हुआ है। बाकी आप ट्रैक्टर का साउंड वगैरह की बात करें ना, तो मैं आपको सुना दिखा देता हूँ। तो आप ट्रैक्टर साउंड सुन लीजिए, तो भाई साउंड की बात करें तो काफ़ी भारी साउंड जैसे बोलते हैं ना अपन, थोड़ा सा भारी वो वाला साउंड है ये। बाकी एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर से आपको साउंड में भारीपन लगेगा उससे। यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज शो करेगा, इंडिकेटर में कितना बैटरी वोल्टेज है अपना, डीजल बताएगा, टेम्परेचर बताएगा और ऑयल प्रेशर बताएगा। हैंडब्रेक की बात करें ना, तो ट्रैक्टर में आपको यहीं पे हैंडब्रेक देखने को मिलेगा, एक्सीलेटर ये रहा, ये आपको अलग से डिज़ाइन मिलेगा ताकि जो प्लेटफॉर्म का पानी वो सारा भाई नीचे चला जाए और डिज़ाइन थोड़ा आपको लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हीट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे। और उसी के साथ में अपन लोग बाकी बात करें तो साइड में आपको गद्दे देखने को मिलेंगे, जो कि साइड में बैठने वाले के लिए कोई दिक्कत ना आए बैठने वगैरह। पीछे एक टायर आपको 16/9/28 के देखने मिलेंगे, सामने के 7/50/16 के मिलेंगे। बैटरी बॉक्स आपको साइड में मिलेगा, पूरा इंजन की बॉडी अपना शो सब कुछ आपको ब्लैक मिलेगा, चेचिस वगैरह सिर्फ और सिर्फ आपको जो साइड फेंडर है वो ब्लैक सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बात करें तो स्पीकर के लिए अलग से प्लेसमेंट दी गई, जिसमें आप स्पीकर लगा सकते हो। और यहाँ पर ही अपना पीटीओ का गियर भी है, जिससे आप 540 और रिवर्स पीटीओ आप यूज़ कर सकते हो। साइड में आपको लीवर्स की बात करें अपना, तो ये हो गया अपना पोजीशन कंट्रोल और ये हो गया अपना ड्राफ्ट कंट्रोल, जो कि प्लास्टिक की ग्लाइडिंग के साथ में। उसी के पीछे आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मिलेगा। और किसान भाई, बाकी अगर इन्फॉर्मेशन बात करें तो फाइबर हुड ट्रैक्टर में लगा हुआ है, लेकिन ये अलग से लगा हुआ है शोरूम के द्वारा, कंपनी से नहीं आता है ये वैसे। पीछे से अगर ट्रैक्टर की बात करें तो भारी भरकम हिस्स देखने को मिलेगा और पेनेट्रेटेड ड्राइव एक्सल देखने को मिलेगा पीछे वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया। मतलब साइज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा साइज है, इस हिसाब से अगर देखें ना दूसरे कंपनी के मुकाबले, तो बहुत हैवी ड्यूटी है। तो किसान भाई, ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको मिलती है 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी। सेंसिंग पॉइंट की बात करना तो आपको 3 सेंसिंग पॉइंट ट्रैक्टर में देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ में अगर मैं बाकी इन्फॉर्मेशन दूँ ट्रैक्टर के डायमेंशन वगैरह की, तो ट्रैक्टर के वजन की बात करें तो आपको मिलता है 24 क्विंटल 70 किलो का ट्रैक्टर, 25 क्विंटल लगभग। व्हील बेस की बात करें तो 2230 mm का व्हील बेस है ट्रैक्टर का, 3785 mm का आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, 1900 mm ट्रैक्टर की चौड़ाई है पीछे के टायरों से, एक टायर से दूसरे टायर की, और 430 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस हम देखें सबसे नीचे वाला पॉइंट सामने का एक्सल के पास में, तो ये मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लगा कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होना था, क्योंकि टकराव इसी में होगा सबसे पहले अगर कुछ होगा तो। इससे फ्रंट एक्सल काफ़ी मजबूत है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो बाकी किसान भाइयों अगर अपन लोग बात करें इंजन की, तो मैं आप इसकी सीसी की बात करें ना, तो इसमें आपको 3682 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, 50 हॉर्सपावर फोर सिलेंडर, 1850 इंजन रेटेड आरपीएम है ट्रैक्टर के, और 257 न्यूटन मीटर का ट्रैक्टर में टॉर्क है। बाकी अगर गियर स्पीड की बात करें ना, तो इसमें हाई लो मीडियम आता है, मतलब 12+3 आपको मिलेगा 15 स्पीड का गियर बॉक्स, और हाई लो भी इसमें आपको मिल सकता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन है, तो 8+2 का भी आप इसमें ले सकते हो। तो ट्रैक्टर कीमत की बात करें तो 9.5 लाख रुपये आपको ऑन रोड ट्रैक्टर पड़ेगा, बाकी आप खाते गांव में आकर ट्रैक्टर की जानकारी ले सकते हो। अपना हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, और ये रहा अपना हाइड्रोलिक पंप, उसके पीछे अपना पावर स्टीयरिंग का पंप है।